अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे अभी हो रहा है सुबह का टाइम और बच्चों को मैं स्कूल छोड़ आई थी, तो स्कूल छोड़ के आने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, ब्रेकफास्ट किया। और अब मैं ये ब्रेकफास्ट करने के बाद सबसे पहला काम ये करूँगी कि ये बर्तन उठा के इनको वॉश करूँगी और उसके बाद लंच की तैयारी करते हैं। बर्तन हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिए हैं। मौसम का हाल आपको बताती हूँ। यहाँ पे हम लोग की सुबह से बारिश हो रही है और ये अभी रात तक चल रही है। और अभी हम लोग को पीछे ये आपको ट्री नज़र आ रहा है, ये बोला इस पे देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे छोटे छोटे फूल निकल आए हैं। स्प्रिंग आने वाला ना, अब तो अब थोड़ा थोड़ा इस तरह फूल आएंगे हर ट्री पर। अभी मैं बनाने लगी चिकन पुलाव, तो इसमें मैंने ये 2 चम्मचे ऑयल के डाले हैं। इसमें मैं डाल दूँ प्याज, इसको हमने अच्छी तरह से ब्राउन कर लेना। तो जो पुलाव का कलर है ना, उसको डिपेंड करता है कि आप चावलों को कितना ब्राउन करते हैं। तो बहुत ज़्यादा भी ब्राउन नहीं करना कि जल ही जाए, लेकिन इतना तो नहीं ना कि अच्छा सा कलर आ जाए पुलाव का। ये देखिए चावलों को मैंने भगो के रख दिया था 15 मिनट पहले, तो फिर इससे चावल जो है ना बड़े अच्छे खिले खिले से बनते हैं। अभी इसको देख लेते हैं कि इसका प्याज ब्राउन हो रहा है। ये देखिए प्याज का कलर बड़ा अच्छा हो गया। इसमें मैं डालूंगी पुलाव बनने वाला था, तो मैंने इसे एंड पे आगे धनिया थोड़ा स्प्रिंकल कर दिया। और अब ये लास्ट मिनट है, चल देखते हैं। माशाल्लाह से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, पूरे किचन में पुलाव की खुशबू आ गई है। और राइस कुकर में बनाना इसलिए भी बहुत इजी है कि आप इसको रख के तो बस ये बिल्कुल खिले खिले चावल बनते हैं। राइस कुकर में जब भी मैंने बनाए हैं बहुत ही अच्छे चावल बनते हैं। अभी मैं इसको डिश आउट करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। मेरा तो लंच रेडी हो गया है, मैं लंच इंजॉय करती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरी जो प्रीवियस वीडियोज़ है वो भी ज़रूर देखिएगा।
अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।